कुल्लू के साथ लगती लग घाटी के लोगों को अब बिजली की आंख मिचौली से राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार दड़का में बन रहे विद्युत उपकेंद्र का कार्य इन दिनों जोरों पर है। विभाग के अनुसार इस विद्युत उपकेंद्र को दिसंबर माह से पहले ही तैयार किया जाएगा। उपकेंद्र के बनने से लग घाटी के करीब 5000 उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। कुल्लू के दड़का में विद्युत उपकेंद्र का कार्य इन दिनों जोरों पर है। विद्युत उपकेंद्र बनने से कुल्लू के सबस्टेशन पर लोड में कमी आएगी और शहर में बिजली की सुविधा भी उचित होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्युत उपकेंद्र बनने से लग घाटी के लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि लग घाटी में बार बार बिजली कट से भी लोगों को निजात मिलेगी। घाटी में जो ये बिजली का जो एक केंद्र बन रहा है 33.11 KV का, इसमें जो है अब जो लग घाटी में जो कट लगते थे वो अब नहीं लगेंगे, और जो है इसमें जो है 4.7 करोड़ से जो ये बनकर तैयार हो जाएगा पूरे लग घाटी के लोगों की सुविधा, पूरे लग घाटी के लोगों से चारों रूप से जो बिजली ये चालू हो जाएगी। तो इसलिए जो जो बाजार जो मतलब कि कुल्लू में जो सब स्टेशन में जो इसमें लोड पड़ता था वो अब नहीं पड़ेगा, इसलिए जो यहाँ 4000 से 5000 लोगों जो है इसका फायदा होगा। अधिशासी अभियंता संजय कौशल ने बताया कि लग घाटी के दड़का में बिजली विभाग का 33.11 KV का उपकेंद्र बन रहा है, जिसकी क्षमता 2x1.6 MVA की रहेगी। उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 4 करोड़ के लगभग बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि ये उपकेंद्र विंटर सीजन से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा। लग वैली के दड़का में हमारा बिजली बोर्ड का 33x11 KV का एक उपकेंद्र बन रहा है। ये इसकी कैपेसिटी 2x1.6 MVA की रहेगी और ये तकरीबन 4.7 करोड़ की लागत से बन रहा है। और ये जो सबस्टेशन है ये हमारा इस विंटर से पहले कंप्लीट हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिसंबर तैयार हो जाएगा। और इससे तकरीबन 4550 कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा, इनको एक बेटर रेगुलेटेड सप्लाई मिलेगी और रिलायबल पावर सप्लाई मिलेगी। इससे हमारा कुल्लू सबस्टेशन का लोड भी कम होगा, तो कुल्लू के कंज्यूमर्स को भी डायरेक्टली बेनिफिट होगा। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।